जी अस्सलाम वालेकुम, आवाज आ रही है आपको? चलें जी, स्टार्ट करते हैं हम। चलिए, जो लोग आ गए हैं वो इसको जरा रीडिंग दे दें और उसके साथ मेरे साथ अपना पॉइंट ऑफ व्यू शेयर करें कि आपको क्या समझ आ रही है। व्हाट इज ग्रुप प्रोडक्टिविटी? जी रीडिंग दें इसे और फिर मेरे साथ शेयर करें कि क्या समझ आ रही है इससे।
हाँ जी, रिस्पॉन्सेस क्यों नहीं आ रहे आप लोगों के यार? चलें मैं ही रीड आउट कर देता हूँ। प्रोडक्टिविटी क्या होती है? ग्रुप प्रोडक्टिविटी के हाउ वेल द ग्रुप और टीम यूजेस द रिसोर्सेज अवेलेबल टू अचीव द गोल्स एंड प्रोड्यूस इट्स सर्विसेज, कि जिस काम के लिए ग्रुप को लगाया गया है वो कितना अच्छे तरीके से काम कर रहा है, कितने अच्छे तरीके से अपने रिजल्ट्स दे रहा है। इसको कहते हैं ग्रुप प्रोडक्टिविटी। हाँ सो इफ पेशेंट केयर इज सेटिस्फैक्ट्री कम्प्लीटेड एट द एंड ऑफ इच शिफ्ट इन रिलेशन टू द लेवल ऑफ शिफ्ट स्टाफिंग सप्लाईज इक्विपमेंट एंड सपोर्ट सर्विसेज यूज्ड, द ग्रुप हैज बीन प्रोडक्टिव। तो अगर एक हम शिफ्ट के ग्रुप को ले लें, जाहिर है वो लोग काम कर रहे हैं मिलकर, तो ग्रुप ही है ना। तो अगर अपने उन्होंने सारा काम अच्छे से कर लिया, पेशेंट सेटिस्फाइड है, अच्छी पेशेंट केयर मिल रही है, क्या है कि दैट शिफ्ट हैज बीन प्रोडक्टिव। तो वो ग्रुप जो था बड़ा प्रोडक्टिव था। प्रोडक्टिव इज इन्फ्लुएंस्ड बाय वर्क ग्रुप डायनेमिक्स स्पेशली या ग्रुप कोहेसिवनेस एंड कोलेबोरेशन। जो ग्रुप की प्रोडक्टिविटी है वो ग्रुप कोहेसिवनेस और ग्रुप प्रोडक्टिविटी से बहुत ही ज्यादा, आप समझ लें कि आप कह सकते हैं कि इन्फ्लुएंस होता है। अब ये ग्रुप कोहेसिवनेस क्या होती है, ग्रुप कोलेबोरेशन क्या होती है, वो मैं आप लोगों के साथ नेक्स्ट स्लाइड्स के अंदर शेयर करता हूँ। सो हेयर वी हैव ग्रुप कोहेसिवनेस एंड प्रोडक्टिविटी। सो हेयर वी हैव जी जनाब। सो हियर वी आर ग्रुप ऑन ग्रुप कोहेसिवनेस। अगेन आई वांट यू गाइस टू रीड इट आउट। आप लोग इसे पढ़ें और समझें कि ये ग्रुप कोहेसिवनेस क्या होती है, फिर मैं आप लोगों के साथ यहाँ पर शेयर करता हूँ अबाउट ग्रुप कोहेसिवनेस। सो गिव इट अ रीडिंग एंड देन आप इसकी एक समरी कि आपको क्या समझ आई है वो आप यहाँ पे कमेंट आउट कर दें, तो फिर हम आगे चलते हैं जी। जी, मैंने रीड करने के लिए कहा है भाई, क्योंकि मुझे पता है दिस इज वेरी बोरिंग। अगर मैं बोलता रहा तो ये कमेंट्री लगेगी पूरी। प्लीज, इसलिए मैं कह रहा हूँ कि आप लोग थोड़ा रीड आउट करें, थोड़ा ब्रेनस्टॉर्म करें, कुछ चीजें यहाँ पे याद हो जाएंगी, कुछ चीजें जब आप पढ़ेंगे इसे, रीडिंग देंगे, तो आप लोगों को याद हो जाएगी। तो मैं इसलिए इस तरह से कर रहा हूँ।
जी मरियम जफर कहती हैं ग्रुप कोहेसिवनेस मींस ग्रुप मेंबर्स हैव स्ट्रॉन्ग बाउंड विद ईच अदर, वेरी गुड। और जी बाकी लोग भी बताएं। जी जी अभी दो तक लोग दो बाकी लोगों का लोगों का कमेंट कमेंट आया। सो कोहेसिवनेस, कोहेसिवनेस होता है कोई चीज कितनी किसी चीज के जो है ना आस पास है, कितनी करीब है ना, राइट। तो कोहेसिवनेस इज द डिग्री टू विच द मेंबर्स आर अट्रैक्टेड टू द ग्रुप एंड हाउ मच दे आर विलिंग टू कंट्रीब्यूट, कि लोग कितना ग्रुप के साथ ग्रुप को अपना अपना फील करते हैं और कितना ज्यादा जो है वो ग्रुप के साथ अटैच है और वो कितना ग्रुप को मतलब कंट्रीब्यूट करना चाहते हैं। बाज ग्रुप्स के साथ हम बड़ी मजबूरी में अटैच होते हैं, उनके लिए हम काम नहीं करते हैं, और बाज ग्रुप्स होते हैं उनके साथ हम बड़ा वॉलंटियरली और विलिंगली अटैच होते हैं और हम उसमें बढ़ चढ़ के कंट्रीब्यूट करते हैं, उसकी सक्सेस के लिए काम करते हैं। सो ये चीज़ बहुत जरूरी है। तो ग्रुप टेंड टू बिकम कोहेसिव व्हेन दे आर इन इंटेंस कंपटीशन विद अदर ग्रुप्स और फेस अ सीरियस एक्सटर्नल थ्रेट टू सर्वाइवल। सो अगर मैं यहाँ पर एक दो ग्रुप बना दूँ और उनको कोई टास्क दे दूँ तो शायद वो इतना दिल के साथ वो काम ना करें, लेकिन अगर मैं कहूँ कि यार इस ग्रुप के साथ कंपटीशन है तो वो लोग बड़े यूनाइटेड हो जाएंगे और बड़े अच्छे तरीके से काम कर सकेंगे। तो ग्रुप कोहेसिवनेस उस वक्त इंक्रीज होती है जब ग्रुप्स के दरमियान वो लग जाए, क्या कहते हैं जी, कोई कंपटीशन आ जाए। अब पाकिस्तान और इंडिया की एग्जांपल ले लें कि जैसे पिछले दिनों वो जो कश्मीर वाला इशू हुआ था और इंडियन फोर्सेस ने अटैक करने की तैयारी कर ली थी तो क्या हुआ था, पूरी कौम सारे सियासतदान जो है वो यूनाइट हो गए थे, ठीक है। तो जब भी कोई थ्रेट आता है, कोई सीरियस थ्रेट आता है, कोई सर्वाइवल के लिए प्रॉब्लम आती है, तो ग्रुप के मेंबर्स जो हैं वो क्या करते हैं, वो आपस में इकट्ठे हो जाते हैं, राइट। स्मॉल ग्रुप एंड दोज हु स्पेंड कंसिडरेबल टाइम टुगेदर टेंड टू बी मोर कोहेसिव। तो छोटे ग्रुप्स जो हैं उनके लोग ज़्यादा कोहेसिव होते हैं, ठीक है, और इसी तरह से वो लोग जो ज़्यादा टाइम साथ गुजारते हैं वो भी ग्रुप बहुत ज़्यादा कोहेसिव होते हैं, ठीक है। स्ट्रॉन्ग ग्रुप्स कोहेसिवनेस लीड टू अ फीलिंग ऑफ वी एज मोर इम्पोर्टेंट देन आई। सो अगर ग्रुप कोहेसिवनेस ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगी तो क्या होगा, लोगों के अंदर हम की फीलिंग आएगी, मैं की फीलिंग नहीं आएगी, ग्रुप का इंटरेस्ट जो है वो ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाएगा लोगों के लिए, ठीक है जी। एंड नेक्स्ट वी हैव एंड इंश्योर अ हायर डिग्री ऑफ कोऑपरेशन एंड इंटरपर्सनल सपोर्ट अमंग ग्रुप मेंबर्स, जिसकी वजह से ग्रुप मेंबर्स एक दूसरे के साथ ज्यादा अच्छे तरीके से एक दूसरे को सपोर्ट करेंगे और एक दूसरे को जो है ना वो देंगे। नाउ लेट अस सी कि कौन कौन से फैक्टर्स हैं जिनको हमें अपने ग्रुप्स के अंदर बढ़ा के हम ग्रुप कोहेसिवनेस को इंक्रीज कर सकते हैं, और वो कौन कौन से फैक्टर्स हैं जिनसे ग्रुप कोहेसिवनेस डिक्रीज होती है। सो एग्रीमेंट ऑन ग्रुप गोल्स, अगर आप सबका एक मेंबर्स का एग्रीमेंट हो ग्रुप गोल्स के ऊपर तो डेफिनेटली कोहेसिवनेस इंक्रीज करेगी, क्योंकि हर बंदा वही चाहता होगा जो कि ग्रुप का गोल है। तो अगर डिसएग्रीमेंट होगा गोल्स के ऊपर कि कुछ लोग जो है उस गोल को पसंद नहीं करते तो डेफिनेटली वो फिर वहां पे कन्फ्लिक्ट आएगा और कोहेसिवनेस डिक्रीज हो जाएगी। अच्छा जी, नेक्स्ट वी हैव फ्रीक्वेंसी ऑफ इंटरेक्शन। तो जितना ज्यादा ग्रुप इंटरेक्ट करेगा एक दूसरे के साथ उनकी वो कोहेसिवनेस बढ़ेगी, गलतफहमियां दूर होंगी, और स्मॉल ग्रुप साइज जो है उससे उसके अंदर भी कोहेसिवनेस ज्यादा होती है, इस तरह लार्ज ग्रुप साइज की वजह से कोहेसिवनेस डिक्रीज होती है, और ये इंपॉर्टेंट है फैक्टर्स जनाब। पर्सनल अट्रैक्टिवनेस, पर्सनली आप कितना ग्रुप के साथ अटैच हैं और कितने प्लेजेंट एक्सपीरियंसेस आपको ग्रुप में मिलते हैं तो उससे भी इंक्रीज होती है कोहेसिवनेस, और अगर अनप्लेजेंट एक्सपीरियंसेस ग्रुप में मिलते हैं हमें तो फिर क्या होता है कि हमारी कोहेसिवनेस अटैचमेंट डिक्रीज होती है ग्रुप के साथ। इंटर ग्रुप कंपटीशन, अगर आपका किसी दूसरे ग्रुप के साथ कंपटीशन लग जाता है तो कोहेसिवनेस बढ़ेगी, और अगर ग्रुप के लोगों का आपस में कंपटीशन लग जाएगा तो कोहेसिवनेस डिक्रीज होगी। फेवरेबल एवेल्युएशन, के आपने काम किया और एंड पे आपको शाबाशी मिलती है तो क्या होगा कि आपकी कोहेसिवनेस बढ़ेगी, और अगर उस ग्रुप के अंदर एक दो लोग डोमिनेट कर रहे हैं तो फिर कोहेसिवनेस कम होगी कि इन्हीं लोगों की सुनी जाती है बाकी लोगों की सुनी नहीं जाती। सो जो लोग
वर्क इन प्रोक्सिमिटी मतलब बहुत ज्यादा करीब रह के जो लोग काम करते हैं उनकी कोहेसिवनेस अच्छी होती है, और वो लोग जो दूर दूर से काम कर रहे होते हैं उनकी कोहेसिवनेस कम हो जाती है जनाब। सो ये थे कुछ फैक्टर अफेक्टिंग कोहेसिवनेस। अब ग्रुप के ऊपर कोहेसिवनेस का पॉजिटिव क्या असर होता है और नेगेटिव असर क्या होता है, ये हम इस स्लाइड में देखेंगे। जितना कोहेसिव ग्रुप होगा, होगा क्या उसकी वजह से, उसकी वजह से ये होगा कि लोग जो हैं उनके अंदर वर्क सेटिस्फेक्शन होगी, लोग कम उन ग्रुप्स को छोड़ के जाएंगे, कम एब्सेंटिज्म करेंगे, और प्रोडक्टिविटी बड़ी हाई होगी, मतलब जो भी वो काम कर रहे हैं बड़े दिल से करेंगे। नेगेटिव इफेक्ट्स क्या होंगे, डेट्रीमेंटल टू ऑर्गेनाइजेशन परफॉर्मेंस इफ देयर गोल्स आर मिस अलाइंड विद ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स, कि हमने एक ग्रुप तो बड़ा अच्छा बना दिया और लोगों की आपस में बड़ी अच्छी बनती है, लेकिन अगर उन्होंने कोई ऐसा गोल सेट कर लिया जो कि ऑर्गेनाइजेशन के अगेंस्ट हो तो फिर ऑर्गेनाइजेशन ट्रबल में आ जाती है। जैसा कि हमने ऑर्गेनाइजेशन के लोगों का, काफी सारे लोगों का बड़े अच्छे तरीके से कोहेसिव ग्रुप बनाया हुआ है, और कल को उनकी कोई डिमांड्स हो तो वो इकट्ठे हो जाएंगे ऑर्गेनाइजेशन के खिलाफ और ऑर्गेनाइजेशन को उनके सामने घुटने टेकने पड़ेंगे। वल्नरेबल टू ग्रुप थिंक, सो जब हम ग्रुप्स को बहुत ज्यादा मजबूत कर लेते होते हैं तो वो बाज का अगर उनकी नेगेटिव थिंकिंग भी हो जाए ग्रुप की तो वो भी ऑर्गेनाइजेशन को उस तरफ ले जाती है। तो ये कुछ उसके नेगेटिव इफेक्ट्स भी हैं ग्रुप कोहेसिवनेस के। अब आ जाते हैं ग्रुप टास्क की तरफ। पहले हमने टास्क रोल्स पढ़े थे, अब हम देखेंगे ग्रुप के अंदर बेसिकली किस तरह के टास्क होते हैं। तो ये पढ़ाने से पहले मैं आप लोगों को थोड़ा सा बता दूं, ये ऑब्जेक्टिव के अंदर सिनेरियो बना के आ जाते हैं कि हाँ जी ये काम हमने ग्रुप में लोगों को असाइन किया, बताएं कि ये कौन सा वाला टास्क है, कौन सा टास्क होगा यहाँ पे। तो ये भी मैं पढ़ाता हूँ। जैसे बाज ग्रुप्स के अंदर हमें कुछ काम मिलते हैं जो कि हम इंडिविजुअली ही कर सकते हैं, मिलजुल के लिए नहीं कर सकते, लेकिन उसकी एवेल्युएशन जो है वो मिलजुल के ही होती है। इस तरह बाज़ूकात होता यह है कि कई काम हमने मिलजुल के ही करने होते हैं, वो अकेला अकेला बंदा नहीं कर सकता। तो ये यहाँ पर भी अभी आप देखेंगे इसी तरह से हमने ग्रुप टास्क को डिफरेंट चीजों में जो है वो डिवाइड किया हुआ है। तो पहली जो, अच्छा ये ब्रेक नहीं दी आप लोगों को, चलें आप ऐसा करें आज 5 मिनट की ब्रेक कर लेते हैं हम, 5:32 हुए हैं, 5:37 पे प्लीज वापस आ जाएं, फिर हम ग्रुप टास्क पढ़ते हैं यहाँ से, थोड़ा सा फ्रेश होके आए तो फिर ग्रुप टास्क पढ़ते हैं फिर हम आगे चलेंगे इंशाल्लाह ताला। तो 5 मिनट की ब्रेक है जी। जी आवाज स्टॉप हो गई है, क्या हुआ है? अभी तो मैंने ब्रेक दी है ना आपको। जी अभी तो ब्रेक है, ब्रेक से वापस आए फिर हम इसको स्टार्ट करते हैं।
जी क्लास वापस आ जाएं आप लोग। जी वापस आ जाइए प्लीज। हाँ जी वापस आ जाएं आप लोग प्लीज। हाँ जी सो लेट अस स्टार्ट विद द ग्रुप टास्क। सो देर आर वेरियस टाइप ऑफ ग्रुप टास्क, तो आप अपने सामने देख सकते हैं कौन कौन से ग्रुप टास्क हैं। तो सबसे पहला जो टास्क है वो है जी एडिटिव टास्क, उसके बाद डिसजंक्टिव टास्क होते हैं, फिर डिविजिबल टास्क होते हैं, एंड आफ्टर डैट वी कैन सी देर आर कंजंक्टिव टास्क, और उसके बाद उसके बाद आप देख सकते हैं अनकर्टेनिंग टास्क होते हैं। अभी मैं आपसे चाहता हूं कि आप जरा एडिटिव टास्क को पढ़ें, और इन एडिटिव टास्क की ना आपने एग्जांपल देनी है, ठीक है? इन एडिटिव टास्क की एक दफा पढ़ना है, इसको समझना है, फिर मुझे आप लोगों ने यहाँ पे इसकी एक एग्जांपल देनी है। सो हरी अप, एडिटिव टास्क को पढ़ें और इसकी कोई मुझे एग्जाम्पल दें अगर आपको समझ आ रही है तो। जी तो एडिटिव टास्क क्या कहते हैं? इन दिस टास्क ग्रुप परफॉर्मेंस इज द सम ऑफ इंडिविजुअल परफॉर्मेंसेस एंड इन दिस टास्क द मोर रिसोर्सेस कैन बी यूज्ड, ठीक है? कि जब सारों का काम मिल मिला के क्या होगा, हाँ जी जैसा कि बताया गया कि ग्रुप मेंबर्स वर्क टुगेदर गैदर टू अचीव गोल, बिल्कुल, कि सारों सारों का काम मिल मिला के ऐड हो के उस ग्रुप की परफॉर्मेंस बनती है। जैसा कि मैंने आपको ग्रुप प्रेजेंटेशन के बारे में कहा था, ठीक है? या फिर डिफरेंट आप देख सकते हैं, डॉक्टर एक पेशेंट के लिए केयर कर रहा है, आप भी कर रहे हैं, फिजियोथेरेपिस्ट भी कर रहा है, तो इन सारों का काम मिल मिला के जो है ना पेशेंट की हेल्थ जो अगर ठीक होती है तो वो जो है ना उसकी तरफ बनता है। तो दिस इज एडिटिव गोल। सो नेक्स्ट आई वांट यू टू रीड डिसजंक्टिव गोल, कि डिसजंक्टिव टास्क क्या होते हैं। सो डिसजंक्टिव टास्क को एक दफा पढ़ें और इसको समझने की कोशिश करें, उसके बाद आपने मुझे इसकी एग्जांपल बतानी है। हाँ जी अब जो पार्टिसिपेट करेगा ना अटेंडेंस सिर्फ उसी की लगेगी। सो प्लीज इसको पढ़ते जाएं और मुझे इसके बारे में बताते जाएं।
ठीक है जी। डिसजंक्टिव टास्क के अंदर क्या होता है, द ग्रुप्स सक्सीड इफ ओनली वन मेंबर सक्सीड इन दिस टास्क, हम वन इज इन द ग्रुप सॉल्व प्रॉब्लम, कि अगर एक बंदा भी कामकाज कर जाता है ना। बिल्कुल ठीक है जी, बिल्कुल। चलें अब आप फिर डिविजिबल टास्क को पढ़ें। चलें जी। जी तो नेक्स्ट इज डिविजिबल टास्क। ठीक है, इसमें जो है ना प्लीज जरा थोड़ा सा वेट करें। जी क्लास, हाँ जी। डिविजिबल टास्क है, टास्क विद डिसीजन ऑफ डिवीजन ऑफ लेबर, मतलब हर चीज़ को करने के लिए एक स्पेसिफाइड बंदा है, एक टेक्निकल बंदा है, मतलब उसके अलावा वो काम नहीं कर सकता कोई ना। तो जब इस तरह के टास्क होते हैं, जैसा कि प्रेजेंटेशन को ले लें कि एक बंदा है वही आईटी का एक्सपर्ट है, वही आपकी प्रेजेंटेशन बना सकता है, ठीक है, और एक बंदे ने जो है मटेरियल इकट्ठा करना है, अगर इस तरह से हम कर दें तो वो क्या बन जाता है, डिविजिबल टास्क बन जाता है, जिसमें हम जो है ना डिविजन कर लेते हैं चीज़ों की। ठीक है, चलें जी। नेक्स्ट, अब कंजंक्टिव टास्क को जो है ना आप लोगों ने रीडिंग देनी है।
प्लीज अटेंडेंस जरा मार्क कर दें, अटेंडेंस मार्क करें इस सेशन की। हाँ जी, हाँ जी, अब आवाज आ रही है आप लोगों को? ठीक आ रही है आवाज? स्लो तो नहीं है जी क्लास? आवाज स्लो तो नहीं है? ठीक आ रही है आवाज? सर ने अटेंडेंस ले ली है तो आवाज का बताइए, 4-5 मिनट रह गए हैं तो मैं कह रहा हूँ कि इसकी ये स्लाइड खत्म कर ही ली जाए। चलें, सो नेक्स्ट इज डिविजिबल टास्क, मैंने बता दिया आपको। नेक्स्ट इज कंजंक्टिव टास्क, कि हर बंदे को काम करना है फिर ही ग्रुप कामयाब हो सकेगा। जैसे मुझे अगर बहुत सारे का 100% रिजल्ट चाहिए तो हर एक को पढ़ना है, ठीक है, फिर ही आएगा 100% रिजल्ट। उसके बाद है जी अनकर्टेनिंग टास्क, प्ले अ रोल इन ग्रुप इफेक्टिवनेस, टास्क दैट आर हाईली अनसर्टेन। तो अगर बहुत कोई अनसर्टेन किस्म का टास्क आ जाता है ग्रुप के लिए तो दैट विज बी अनकर्टेन टास्क। अच्छा, अब आप लोगों ने बेसिकली नेक्स्ट क्या करना है, नेक्स्ट क्लास में आने से पहले, मतलब इसी वीकेंड पे मैं आपके स्लैम्स के ऊपर जो है ना असाइनमेंट अपलोड कर दूंगा। आपने इन सब की एटलीस्ट दो दो एग्जांपल्स लिखनी है और स्लैम्स पे मैं ऐड कर दूंगा असाइनमेंट्स का टैब, और आपने इसकी असाइनमेंट जमा करानी है, ठीक है। सब टास्क की दो दो एग्जांपल्स गूगल करें, सर्च करें, इनके बारे में पढ़ें, और सब टास्क की दो दो एग्जांपल्स आप लोगों ने मुझे बतानी है, ठीक है। चलें, आज का लेक्चर फिर हम यहीं पे कंक्लूड करते हैं जनाब। नेक्स्ट हमारी 3-4 स्लाइड्स रह गई हैं, ग्रुप पार्टिसिपेशन के हवाले से रह गया है, ग्रुप कम्युनिकेशन रह गई है, फैसिलिटेटिंग अ ग्रुप रह गया है, ग्रुप के साथ इफेक्टिवली काम कैसे करना है, और बीइंग नर्स मैनेजर का एज अ टीम लीडर ऑफ ग्रुप, ये चीजें हमने डिस्कस करनी है। तो बस इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट वीक में क्लास के फर्स्ट हाफ के अंदर, मतलब 10 से 15 मिनट के अंदर ये चैप्टर खत्म हो जाएगा, और मैं नेक्स्ट देखता हूँ कि कौन सा चैप्टर मैंने स्टार्ट करना है। एंड सेम विद द मेंटल हेल्थ, उसमें भी हम इंशाल्लाह को नया चैप्टर स्टार्ट कर रहे होंगे। बाकी
सीआर आप में से कोई भी मुझे कल याद करा दे कि मैंने आप लोगों को टेस्ट का एक पूरा जो है ना मैंने आपको बताना है, जित 3 दिन 3 टेस्ट होंगे आपके, ठीक है, नेक्स्ट वीक में 3 दिन 3 टेस्ट होंगे, तो उसके लिए मैं आपको बता दूंगा कि किस दिन कितने बजे कौन सा वाला टेस्ट होना है। तो उसके लिए प्लीज सीआर मुझे कल सुबह में रिमाइंड करा देना, कल सुबह में मैं सारा प्लानर बना के आपसे शेयर कर दूंगा, रिमाइंडर आपसे शेयर कर दूंगा। मोस्ट प्रोबेबली मूड डिसऑर्डर और शिजोफ्रेनिया का टेस्ट होगा, और उसके बाद हमने जो चीज़ प्रोफेशनल ऑर्गेनाइजेशंस पढ़ी थी इससे पहले, ये जो अभी हमने पढ़ा है ना ग्रुप डायनेमिक्स से पहले, तो पीडी का उसका टेस्ट होगा। तो ये 3 टॉपिक्स का हो सकता है कि नेक्स्ट वीक में टेस्ट हो जाए, कल सुबह मुझे रिमाइंड कराना इंशाल्लाह ताला, फिर मैं आपको जो है ना सारा बना के भेज दूंगा। चले, टेक केयर ऑफ योर सेल्फ, हाफिज, बाय बाय।